सही है, शुरू करें। मस्त लग रही है ना? हाँ भाई एकदम। बड़े भाई मैं डायलॉग लेना शुरू कर रहा हूँ, ऐसे बढ़िया बढ़िया शॉर्ट लियो, नहीं तो एक रुपया दूंगा, समझा? हाँ भाई सॉरी सॉरी। चल शुरू करते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या खुद को बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या खुद को बदलना सीखो, गाड़ी घोड़े का चक्कर छोड़ो, फिट रहोगे थोड़ा पैदल चलना सीखो। वाह उस्ताद कुंवर पिस्तौली की इस फिटनेस भरी नज्म के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसा कि आप सबको पता है, साल 2020 के मुंह पे करारा तमाचा लगाते हुए मैं लेके आ गया हूँ वन वे टॉक द्वितीय। और इस बार हम किसी गेस्ट को अपने शो पे बुलाएंगे ही नहीं भाई, हम क्यों 150 रुपये खर्चे चाय पानी के, हम उसके पास जाएंगे और उससे वहाँ जाकर करेंगे, ठीक है? करार है, पूरी दुनिया पिछले एक साल से परेशान है। ये वो है जिसका इंतजार हम सब ने अपने घरों में बैठ के किया। नहीं मैं केजीएफ चैप्टर 2 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वैक्सीन। चलिए मिलते हैं उनसे। हेलो भाई साहब। हेलो फॉर्म 45 भर लिया ना आपने? नहीं कौन सा फॉर्म भाई? भाई पहले फॉर्म 45 भरना पड़ेगा, उसके बाद टीकाकरण होगा। उधर जाओ रूम नंबर 12, वहां से पहले फॉर्म भर लो। पेन है? नहीं। तो दुकान से पेन लेके आओ पहले। मैं मेरे चाचा नहीं है वो लखनऊ वाले, कल वैक्सीन लगवाई है, तीनों टांगों ने जवाब दे दिया, आज लकवा हो गया भाई, लकवा बेकार है। मैं कमिन मैम, देख रही है बोलती वन। हेलो मैम, माई सेल्फ राजेश, और मैं आपसे वो जरा टीके के बारे में बात करने आया हूँ। टीके के बारे में बात करने आया हूँ तो मंदिर में जाओ ना, I don't have time for this, I'm very busy। ऐसा है मैडम, कुछ छोटे मोटे शो से नहीं आया, वो चीखने चिल्लाने वालों की तरह, अपना खुद का शो है वन वे टॉक, वहां से आए हैं। वही वाला ना जो बंद हो गया था। ए पढ़वे चुप। हाँ वही वाला। और सुन लो ध्यान से, सवाल करूंगा ऐसे तीखे करारे कजरारे, जवाब देना चुपचाप। हाय रामू। अच्छा सुनो, मुझे चाहिए एक पम्पकिन चॉकलेट लाटे, यू वांट एनीथिंग? हाँ ये लाटे मंगा दो पम्पकिन वाली। शो एक चाय ले आना चीनी के बिना। या ठीक है कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। तो मिस वैक्सीन, आप पे सबसे पहला इल्जाम ये है कि मतलब एक साल से पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम कहाँ थी, कहाँ थी तुम? एक सेकंड, मैं वैक्सीन हूँ, कोई शिकंजी नहीं हूँ कि कहीं पे भी मिल जाऊंगी, टाइम लगता है बॉस। ठीक है मान लिया तुम्हें बनने में एक साल लग गया पूरा, तुम्हारे जैसी और भी बहुत वैक्सीन आई थी, पर तुम्हारे जितने भाव तो किसी ने नहीं खाए, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है? जो पोलियो वैक्सीन है इंतजार तो लोगों को उसका भी था, लेकिन सबसे बड़ा ग्रैंड लॉन्च किसका हुआ? मेरा। सबसे ज्यादा अटेंशन किससे मिली? मुझे। यही तो तुम पे सबसे बड़ा इल्जाम है, कोई ना ऐसे बहुत पावरफुल नेपोटिज्म माफिया टाइप का आदमी है तुम्हारे पीछे जिसने बीमारी को फैलाया इसलिए ताकि तुम्हें इतना बड़ा लॉन्च मिल सके। मुझे पता है मैं एक बहुत पावरफुल फैमिली से हूँ और मेरे रिलेटिव्स भी बहुत पावरफुल हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम बीमारी फैला देंगे मुझे लॉन्च करने के लिए, बट आई डोंट नो फॉर श्योर। वैसे भी मेरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पे है, फॉलोअर्स बढ़ाने पे। अरे तो मैडम फॉलोअर तो तभी बढ़ेंगे ना जब ढंग से काम करोगी, हमने तो यहाँ तक सुना है कि कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई और उनको इन्फेक्शन हो गया। क्या मतलब? लोग तो लैक्टोज इंटॉलरेंट भी होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूध डेंजरस है। क्या अरे एक सेकेंड। हेलो अकी, हाय यार, तुम मुझ पे फिल्म बना रहे हो और तुम मेरा रोल प्ले करोगे? देखो जॉन, अजय, विकी ऑलरेडी मुझे मल्टीपल टाइम्स फोन कर चुके हैं एंड आई कांट कीप अटेंडिंग योर कॉल्स यार, हमने यूके में नया स्ट्रेन लॉन्च किया है एंड वी आर वेरी बिजी विद दैट। हाँ देखो उस स्ट्रेन की जब वैक्सीन आएगी ना मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। बाय अक्षय। अक्षय कुमार। हाँ यार परेशान कर दिया है फोन कर, ऐसे करता है बार बार। बाकी सुनो सवाल करूंगा अब तीखे करारे कजरारे, किसी काम की हो तुम, मतलब ये सिर्फ हवाबाजी है, कोई फायदा है वैक्सीन लेने का या नहीं है, क्लियर कर दो आज। जब इंडिया में एक बच्चा पैदा होता है मम्मी पापा सबसे पहले उसे कहाँ लेके जाते हैं?
हमारे पास। सोनू टिट्टू स्वीटी, जब तुम्हें काट लेते हैं तो तुम्हारा रेबीज का वैक्सीन कहाँ से लगता है? और इंडिया को पोलियो फ्री किसने किया? जैके दादा ने। ए तुझा मौसी जी का। नहीं नहीं नहीं, मेरी कजिन पोलियो वैक्सीन ने। कुछ क्रेडिबिलिटी तो दो हमें। ओ हेलो, क्या क्रीम बाल्टी, मेरे बातों में मत फंसाओ, मुद्दे की बात पे आओ। आज नेशनल यूट्यूब पे ये बात क्लियर कर लेते हैं कि तुम हराम हो या हलाल हो, ये बता दो। ऐसा ना, बहुत जगह पे इस चीज की ना बड़ी बहस सी छिड़ी हुई है, आज क्लियर हो जाएगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, क्यों? बस करो यार, पूरी दुनिया में कोविड इतने खतरनाक तरीके से फैला है, ये पैंडेमिक का कोई अंत ही नहीं आ रहा है, और अब जब फाइनली वैक्सीन आ गई है, तुम लोगों को तो डर के शाहरुख खान की तरह मेरे पीछे पागल होना चाहिए, लेकिन तुम सब लोग बेकार की बहस करे जा रहे हो, और मुझे लगा सिर्फ तुम ही एक बेवकूफ हो, पर यहाँ तो लगता है तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तुम लोगों को मुझे पाना मुश्किल ही होना चाहिए। ये तो बात सही है, काफी लोग। कोई बात नहीं, बहुत कॉल आए थे ना तुम्हारे पास, अब एक कॉल मैं करता हूँ। और क्या कह रही थी कि सबको नहीं मिलेगी वैक्सीन, है सब तक पहुंचेगी नहीं। एक सेकंड, अभी दिखाता हूँ कैसे नहीं पहुंचती। करो करो, जल्दी करो, वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट के पास भी मैं हूँ ही नहीं। किसको कर रहे हो फोन? मैडम, हम गवर्नमेंट को कर भी नहीं रहे, उससे भी ऊपर की चीज को कर रहे हैं। ये लग गया। हेलो सोनू सूद भाई, क्या हाल चाल? अच्छा, सोनू सूद को फोन क्यों कर दिया, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरे पास है बीपीएल कार्ड, है मेरे पास, आ जाऊंगा मैं, ठीक है। गुड। क्या ये बंदा सोनू सूद को क्यों फोन किया? मैडम किधर? हमारे शो पे हमसे बदतमीजी कर रही थी, हमसे आवाजी। ऐसा है हमारे शो में ना कोई हमसे फालतू बोल नहीं सकता है। अरे भैया, वैक्सीन लग रही है क्या? हाँ लग रही है ना, आओ आओ फटाफट बैठो, इधर डॉक्टर साहब बैठे, 500 रुपये ले आओ। अरे ये तो फ्री मिल रही है। भाई वैक्सीन ही तो फ्री थी बड़े, ये तो आएगा ना 500 रुपये का सिरिंज। आजा बैठ जा, लगाने तो फ्री में लगा रहे हम तो। आजा भाग के रही है, लगती नहीं है हम डॉक्टर शक्ल से। हेलो दोस्तों। हाय दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये जो बड़वे ना ऑनेस्टी वाले, ये हंसते मेरे पे कि इसके वीडियो पे लाइक नहीं आते, तो मैं बता रही हूँ इस बार मेरे को 15,000 लाइक्स चाहिए ही चाहिए। सालों का मुंह बंद करना है एक तो। और बाकी वीडियो पे आपको बेस्ट क्या लगा कमेंट में बताएं, और आप आगे किनको बुलाना चाहते हैं वो बताओ। ये कुछ कहना चाहते हैं इसकी सुन लो यार। मैं कब से कहना चाह रही हूँ, अगर आपको राजेश और मेरी जोड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट भी कर देना। और मुझे नहीं लगता कि इनका चैलेंज कोई पूरा कर पाएगा। नहीं आएंगे 15,000? आ जाएंगे यार, ऐसे लाख नहीं कटनी। आपके फैंस को खुला चैलेंज है, नहीं आएंगे? आएंगे यार, ऐसे मत यार, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। 90s के दिनों की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म मोहरा, जिसके अंदर एक्शन है थोड़ा सा घटिया है, कॉमेडी है थोड़ी सी घटिया है, रोमांस घटिया है, गाने लेकिन सारे के सारे सुपरहिट हैं। इन सब पे तो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बकती भर भर के इस फिल्म के अंदर, तो हमने सोचा क्यों ना भैया साल की शुरुआत इसी फिल्म के रिव्यू से की जाए। ये तो आपने लाख रुपए की बात कही है।